उन लोगों उनमें से बन गई जो पाकिस्तान में जिनको हम कहते थे टीटीपी, पाकिस्तानी तालिबान, ये उस रिएक्शन में बने थे। और उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ फिर जहाद अनाउंस की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कोलैबोरेटर्स हैं। भेजा जा रहा था वजीरिस्तान में, तो मैंने बड़ा हर फोरम पे कहा, असेंबली में कहा कि नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि कायदे आजम ने 1948 में पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके से वापस बुला ली थी। और कायदे आजम ने तब कहा था कि जो कबायली इलाके के लोग हैं ये हमारी फौज है और हमें कोई जरूरत नहीं है वहां फौज रखने की, और कभी पाकिस्तान को कबायली इलाके में मसला नहीं पड़ा। हमें वो सबसे पुरमन इलाका था कबायली इलाके का, वहां कोई वो क्राइम फ्री एरियाज थे। और ये जब अफगान जहाद लड़ी गई तो जो अफगान जहाद थी वो कबायली इलाके से लड़ी गई। ये जो सारा बॉर्डर था अफगानिस्तान से, मुजाहिदीन इधर से जाते थे, तो जो कबायली इलाके के लोग थे वो उस उन्होंने या डायरेक्टली शिरकत की जहाद में या उन्होंने मदद की मुजाहिदीन की। तो जब 9/11 के बाद हमने फैसला किया कि अब हम अमेरिका की जंग में शिरकत कर रहे हैं, और अब अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया है तो अब ये जहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है। तो जब ये हमने 180 डिग्रीज के ऊपर यू टर्न ली, तो ना वो जो मुजाहिदीन थे जिनको हमने ट्रेन किया था जहाद के लिए, ना वो ग्रुप्स ने हमारी बात मानी, उन्होंने ये समझा कि जहाद है दहशतगर्दी नहीं है। और खास तौर पे जो कबायली इलाके के में लोग रहते थे उधर भी बड़ा एक रेजिस्टेंस था इस चीज के ऊपर। और उनमें से फिर आखिर में जब हमने अपनी फौज भेजी और फिर जब तोरा बोरा के बाद कई अलकायदा के भी वहां आ गए, तो उन लोगों उनमें से बन गई जो पाकिस्तान में जिनको हम कहते थे टीटीपी, पाकिस्तानी तालिबान, ये उस रिएक्शन में बने थे। और उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ फिर जहाद अनाउंस की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कोलैबोरेटर्स हैं, हम इसलिए हमारे ऊपर जहाद है क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं।